तो क्या बना तुम्हारी जॉब का? क्या हो रहा था यार, बाबा साहब का नाम मेरे नाम के साथ हर जगह लगा हुआ है। मुझे लगता नहीं है कि मुझे इतनी आसानी से काम मिले। यार भाभी भी काफी परेशान थी, फोन आया था उनका। जॉब करने के लिए कह रही थी मुझसे, मैंने कह दिया कर लो। अच्छा यार, घर से बाहर निकलेगी तो परेशान कर। ये रख लो। नहीं यार, ये मुझे नहीं चाहिए। ओ प्लीज यार, ये सारी शर्मिंदगी ना भाभी के सामने रखा करो। मैं दोस्त हूँ यार तेरा, और वैसे भी ये सस्ता सा फोन है, ज्यादा महंगा नहीं है, रख लो। थैंक यू यार। थैंक्स मत बोलो, बस एक बात मान लो। तुम जरूरत के वक्त इतना काम आए हो, एक क्या, हर बात मान लूंगा। बोलो, मंजूर है मुझे। ये रख लो, जब तक किसी सवारी का इंतजाम नहीं होता मेरी बैग तुम्हारे पास ही रहेगी। शमीर पागल हो गए, ये नहीं चाहिए मुझे यार। यार अभी तो तुमने कहा कि मेरी बात मानोगे। देख भाभी ने घर जाना होता है ना, तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है, अम्मी अब्बा आ गए हैं, घर में गाड़ी है, तुम ये रख लो। शमीर मैम प्लीज। Thank you. You are welcome.